इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत डेकवा में दो दिवसीय भारमी वॉलीबॉल ओपन प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता कृति चक्र विजेता 18 डोगरा रेजिमेंट शहीद संजीव सिंह की याद में करवाई गई। शहीद संजीव सिंह कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे, उनकी याद में लगातार ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता करवाई जाती है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है, जिसकी अध्यक्षता करण सिंह पठानिया उर्फ माल्टू द्वारा की गई। प्रतियोगिता में 19 टीमों के लगभग 130 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें अमनगढ़, खालसा कॉलेज अमृतसर, महमूदपुर होशियारपुर, टांडा पंजाब, सब्बा सुलियाली हिमाचल, हमीरपुर हिमाचल, लोधबा हिमाचल, गैनपा हिमाचल, मिर्थल ए व मिर्थल बी, काटगढ़ हिमाचल, बौड़ी खंड हिमाचल, होशियारपुर, मनबाल हरियाल के अतिरिक्त अन्य टीमों ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रथम आने वाली टीम होशियारपुर को 21,000 रुपए व स्मृति चिन्ह, द्वितीय अमरगढ़ आई टीम को 15,000 रुपए व स्मृति चिन्ह, तृतीय महमूदपुर टीम को 7,000 रुपए व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समाज सेवी राजीव पठानी ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम वॉलीबॉल के अलावा अन्य खेलों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। यहां पर दूर दूर से आए टीमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन खेलों के माध्यम से समाज के लिए खेलकूद को बढ़ावा देते हुए बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। प्रदेश जूडो एसोसिएशन की ओर से 8 से 10 नवंबर तक आयोजित की गई स्टेट सीनियर और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में कांगड़ा जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए नूरपुर की बेटियों ने 1 स्वर्ण 1 रजत व 4 कांस्य पदक जीते हैं। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से नूरपुर का नाम प्रदेश भर में रोशन किया है। नूरपुर की अनीता ने स्वर्ण, ज्योति ने रजत व सोमी देवी ने कांस्य पदक जीता। अंजलि जरियाल ने कांस्य और लवली व अंबिका ने भी कांस्य पदक अपने अपने वेट वर्ग में जीते हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाली अनीता का चयन अगले महीने लखनऊ में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप के लिए किया गया है, जहां वह हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। सभी खिलाड़ी राजकीय आर्या कॉलेज नूरपुर की छात्राएं हैं। अनीता ठाकुर ने बताया कि उन्हें विश्वास है कि वे नेशनल में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी और जीत कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। सेब आढ़तियों द्वारा बागवानों से की गई ठगी पर सरकार की ओर से ठोस कदम न उठाए जाने से नाराज हिमाचल किसान सभा जंग के मूड में है। रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान किसान नेताओं और आढ़तियों की ठगी का शिकार हुए बागवानों ने कहा कि लंबे समय से बागवानों का सेब का करोड़ों रुपए बकाया आढ़तियों के पास फंसा है, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है। न्यायालय के निर्देश के बाद सरकार ने ठगी करने वाले आढ़तियों को पकड़ने के लिए SIT का गठन किया है, लेकिन अब तक चंद ठग ही उनके हाथ आए हैं। उन्होंने बताया कि जो आढ़ती अभी हिरासत में है वे बाहर ना निकल पाए, इस तरह के प्रयास SIT करे ताकि ठगी करने का सपना लेने वाले आढ़तियों में डर बना रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 10 दिसंबर तक किसानों का पैसा नहीं मिलता है और ठगी करने वाले आढ़ती पकड़े नहीं जाते तो नारकंडा में नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा। अपने काम नारकंडा में आरती और लादानी करोड़ों का घोटाला करके निकल जाते हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। बमनोली के रमेश ने बताया कि सिलारू में आरती को अगस्त में नारकंडा में आरती को 2 लाख के सेब दिए, लेकिन भुगतान अभी तक नहीं किया है। सरकार जल्द बकाया दिलाने का प्रयास करे। नागादर के दीवान ने बताया कि दारू में आरती को 4 लाख के सेब बेचे, लेकिन भुगतान नहीं किया गया, इसलिए वे आंदोलन के लिए मजबूर हैं। किसान सभा ननखड़ी के अध्यक्ष राजीव ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से ऊपरी क्षेत्र में आरती बागवानों से सेब लेकर भुगतान नहीं कर रहे हैं। सरकार और APMC की उदासीनता के कारण आर्थिक किसानों से लूट करते हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कई किसान सेब का पैसा न मिलने से आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। किसान सभा रामपुर सचिव प्रेम ने बताया कि आढ़तियों द्वारा किसानों से ठगी
लगातार की जा रही है। इसके बारे में किसान सभा ने सरकार और एपीएमसी को समय समय पर सचेत भी किया है, लेकिन सरकारी तंत्र की मिली भगत ने आढ़ती किसानों को लूटते रहे। हजारों किसानों का करोड़ों रुपए आढ़तियों के पास फंसा है। किसान अब आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर को नारकंडा में किसान चक्का जाम करेंगे। एसआईटी से भी मांग है कि जिस आढ़ती को पकड़ा है वे छूटे नहीं, ऐसा प्रयास हो।